हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। भाई आप सब बताइए, मेरी अम्मी आपको कैसे लगती है? अम्मी मुझे हाँ पूछ जी पूछ इधर देखें, हाँ जी पूछ पूछ थक गई बताएं। हैं कि अम्मी कहती हैं कि मुझे बताती नहीं हो क्या कहते हैं क्या कहते हैं। तो आप कोई कमेंट कीजिए ताकि मैं अम्मी को बताऊं कि आप अम्मी के बारे में क्या राय रखते हैं। कैसी लगती हूँ मैं आपको बताएं। बिल्कुल, तो फिर आज की वीडियो का टाइटल कुछ यूं है कि किट्टो राव जो है उनका इंटरव्यू, मतलब वो इंटरव्यू लेने वाली है नाजिया इलाही खान का। तो कुछ पाकिस्तान मौलवी हैं जो पहले बोलते हैं कि भाई जो गुस्ताखी रसूल करेगा उसकी सर तन से जुदा कर देना चाहिए, और जब अपने पे बात आई तो फिर कहता कि माफी सब गुनाहों की माफी होती है। आज उसी को रोस्ट करने वाले, मजा आएगा। प्लीज वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज के लिए। हमारे अल कुरान में जो लोग रेप करते हैं उनके औजार काट देने चाहिए। अब इसमें इतनी बड़ी आंखें निकालने की क्या बात है? एक हिस्सा तो बचपन में ही काट दिया जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूं आप हजरात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ। अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसे वही मौत की घाट उतार दे, अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं है। शरीयत में हुक्म ये है गुनाह पे पर्दा डाला जाए ना के गुनाह से पर्दा उठाया जाए। बस कर कांटू, एक मुसलमान होने के नाते मुझे बुरा तो लगेगा ना, मुझे तकलीफ तो होगी ना, मुझसे अभी भी बात नहीं किया जा रहा है। किट्टू अल्लाह क्या फरमाते हैं, मैं तुम्हें जन्नत के बागात दूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। क्या बात, और सारी जन्नत की नेमतें एक तरफ और पाकीजा बीवियां दूंगा। वाह भाई वाह, इतनी बीवियां जन्नत में मिलेंगी ना, इंतहाई खूबसूरत, जिनके हुस्न को अल्लाह ने बयान किया जैसे छुपाए हुए अंडे होते हैं ना, ऐसे सफेद, कोई दाग धब्बा नहीं, बड़ी आंखों वाली, बड़ी पलकों वाली। जरा सोचें, आपकी सोच जहां खत्म होती है उसका हुस्न वहां से शुरू होता है। तो उसके कब्र में एक सीढ़ी दे देने के लिए। आखिर क्यों? क्योंकि 135 फुट के वर्जाइना तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना, इतना सा दिखाई देगा ना, तो उसके वर्जाइना तक पहुंचने के लिए सीढ़ी भी तो चाहिए मुफ्ती तारिक मसूद को। वेल डन, वेल वेल डन। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज हमारे साथ है नालिया मैम। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते। हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री राम। किटकैट्स कैसे हो? किटकैट तुम सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि मैं किट्टू भाई के साथ आई हूँ मौलानाओं को रोस्ट करने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि जब भी इनको रोस्ट करने की बात आती है मैं डबल एक्साइटमेंट हो जाता है मेरे अंदर। जी मैम, और खासकर मौलाना तारिक मसूद। शादी से पहले मैं भी शेर ही था। उसने कहा कि बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में। पूरी दुनिया का है ना ध्यान हट गया है। हम देखते हैं कि अक्सर जो आम आवाम होती है पाकिस्तान में उस पर ब्लास्फेमी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी किसी का भी मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद पर जो ब्लास्फेमी लगी उसको भटका दिया गया। मुझे लगता है जाकिर नायक जो पाकिस्तान में गया था वो इस मुद्दे को भटकाने के लिए गया हो, ये मेरी अपनी राय है, पता नहीं। और अभी वो मामला रफा दफा हो गया, अभी जो पाकिस्तानी मुफ्ती है वो आराम से फिर से वही जो औरतों के बारे में गलत सलत बोलता रहता है वही कर रहा है। कितना अफसोस होगा कि इन हराम औरतों के पीछे जवानी लुटा दी, और आखिरत में जब जन्नतियों को, पैगंबरों को, शुहदा को, नेक उलमा को, सुलहा को, बुराइयों से बचने वालों को हूरे मिल रही होंगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो शरिया कानून है वो आम आवाम के लिए अलग है और मुफ्तियों के लिए अलग है। बड़े हंसी हंसी और मजाक मजाक में तुमने बहुत अहम क्वेश्चन कर लिया है, बहुत अहम सवाल कर लिया है, और बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगी क्योंकि FIR से तो अब डर खत्म हो चुका है, दर्जन से ऊपर FIR मेरे ऊपर हुए। पुलिस को पता था कि मेरी मॉब लिंचिंग होने वाली है? सिर्फ शरिया में नहीं बल्कि इस्लाम में ही, इस्लाम के अंदर ही, आम मुसलमानों के लिए या आम लोगों के लिए, गैर धर्मों के लिए इस्लाम बिल्कुल अलग, और जो इस्लाम के ठेकेदार बन करके बैठे रहते हैं उनके लिए इस्लाम बड़ा फ्लेक्सिबल, बड़ा फ्लेक्सिबल है। यूं तो हम देखते हैं कि हमारे अल कुरान में जो लोग रेप करते हैं उनके औजार काट देने चाहिए। अब इसमें इतनी बड़ी आंखें निकालने की क्या बात है? एक हिस्सा तो बचपन में ही काट दिया जाता है, इतनी बड़ी आंखें क्या निकाल रही हो? तो एक हिस्सा तो पहले ही काट दिया जाता है बचपन में,
बाकी के जो हिस्से हैं वो बलात्कार करने के बाद काटने की अनुमति है, लेकिन कहाँ कटता है? तुमने सुना है भारत में, सुना है कि किसी मुसलमान बलात्कारी का औजार कट गया? अगर नासिर खान का औजार कट जाता तो वो बेटी पैदा करता? कहाँ से बेटी पैदा करता? उंगलियों से बेटी पैदा करता क्या? वो पॉसिबल था? तो डेफिनेटली एकदम एकदम सच बात है कि ये जो मुसलमान समाज के मजहब के जो ठेकेदार हैं, इनके लिए इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है। अब जैसे पाकिस्तान में देखो, लाल मस्जिद के एक मौलाना साहब थे, उन्होंने एक बच्चे के साथ अनल सेक्स कर दिया था। अब जब पूरा एक भीड़ लग गया, क्योंकि इनको तो भीड़ लगाने की आदत है ना, तो भीड़ लग गया। अब उसी में एक भीड़ आया मौलाना साहब को बचाने के लिए। जब तक क्या किए मौलाना साहब लाल मस्जिद के, कि वो हिजाब पहन करके पीछे के गेट से भाग रहे थे अपने आप को बचाने के लिए हिजाब में। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने ब्रा और पैंटी भी पहनी थी कि नहीं पहनी थी औरत वाली, लेकिन हिजाब उन्होंने पहना था। मजिस्ट्रेट और पुलिस ने लाल मस्जिद में जाकर मामलात संभालने की कोशिश भी की। इस सारी सूरत हाल में उम्मे एहसान अपनी बुरका पोश, कितनी बड़ी बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोग? हिजाब पहन करके वो भाग रहे थे। तो मैं मुफ्ती तारिक शायद जमील या मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद जो चार शादी करके बैठा हुआ है, तो उसने इतनी बड़ी बात कही है, नाउजु बिल्ला अल्लाह माफ करे, कि प्रॉफिट मोहम्मद को जाहिल बोल दिया। उसने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, प्रॉफिट मोहम्मद को अंगूठा छाप बता दिया। इतनी बड़ी बात कह दी, मैं तो दो दिन सोई नहीं किट्टू, सिर्फ रो रही थी। मेरे आका के साथ इतनी बड़ी बदजुबानी, इतनी बड़ी बेइज्जती कोई मुफ्ती कैसे कर सकता? मेरी आंखें पूरी सूज गई थी रो रो करके, पूरी आंखें मेरी नीली नीली हो गई थी, लाल लाल हो गई थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नाजिया तुम रोई हो क्या? अब वो नाजिया जो कभी रोने धोने वाली है नहीं, क्यों रोई? तब मैंने उनसे बताया कि देखिए, पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक जमील ने मेरे आका को, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिल बोल दिया है, अनपढ़ बोल दिया है, अंगूठा छाप बोल दिया है। एक मुसलमान होने के नाते मुझे बुरा तो लगेगा ना, मुझे तकलीफ तो होगी ना, मुझसे अभी वो बात नहीं किया जा रहा है कि तो। मेरे जुबान थरथरा रही है, कैसे कैसे मुफ्ती तारिक जमील मेरे आका को जाहिल बोल सकता है? कैसे? कुरान में कुछ भी लिखा हो, हम बोल नहीं सकते ना। कुरान चाहे ये बता रहा हो कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन हम बोलेंगे क्यों? चुप रहेंगे, भेद को छुपाएंगे, राज बना करके रखेंगे। लेकिन मुफ्ती तारिक जमील क्या है, मुफ्ती तारिक जमील है या पसूद है? मसूद है, मसूद मसूद, हाँ। अब बंदर को बंदर बोलो तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, बंदरिया बोल दो, बंदर बोल दो, बानर बोल दो, फर्क क्या पड़ता है? तो मुफ्ती तारिक मसूद ने इतना इतना गंदा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अल्लाह से माफी की तलाफी की, अल्लाह पाक उसको जन्नत अता फरमाना और जन्नत में 72-135 फुट की हूरे भी अता फरमा देना। और मैं कहूंगी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ मैं बैठती हूँ कि जब वो उसका सर तन से जुदा होगा तो उसके कब्र में एक सीढ़ी दे देने के लिए। आखिर क्यों? क्योंकि 135 फुट के वर्जाइना तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना, इतू सा दिखाई देगा ना, तो उसके वर्जाइना तक पहुंचने के लिए सीढ़ी भी तो चाहिए मुफ्ती तारिक मसूद को। अब देखो, एक आम व्यक्ति कुछ बोलता है तो पुतले जल जाते, मेरे लिए जले भाई पुतले। मेरे ऊपर दर्जन भर से ज्यादा FIR हो गया। अरे भाई, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोलते बोलते अब ये हमारे आका के बारे में भी बेहुदा बातें कर रही है। हमारे आका के लिए इतना गंदा बात बोली है। दावा किया जा रहा है कि वायरल पोस्ट शिवम दुबे की पत्नी अंजुम खान का है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर शिवम दुबे की धर्म पत्नी अंजुम खान मेरे ऊपर टिप्पणियां करने से पहले और मुझे बॉयकॉट करने से पहले ये तो पहले बताओ कि तुमने काफिर से शादी क्यों की? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। अरे भैया, मैंने नहीं बोला है, मैंने मोहम्मद ओवैस को बलात्कारी बोला, मैंने मोहम्मद खैबर को बलात्कारी बोला, मैंने मोहम्मद गौरी के बारे में बोला, एक नंबर का बदतमीज आदमी था, मैंने मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के बारे में बोला, खूनखार आदमी था, जब तक मारता नहीं था, काटता नहीं था, खाना हजम नहीं होता था। मैं क्यों बोलने जाऊंगी अपने आका के बारे में?
मैं तो बिल्कुल नहीं बोलने जाऊंगी। अल्टीमेटली मुझे आज भी एक केस में बेल मिला है कलकत्ता हाई कोर्ट से, और इनके मुंह में मतलब काली कुपुत गया, और मैं बड़ी खुश हूँ आज, बड़ी मगन में हूँ आज कि भाई मैं ही पक्की मुसलमान हूँ और मैं ही सच्ची मुसलमान हूँ, क्योंकि मैंने कोर्ट को प्रूफ किया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इन्होंने फेक ब्लास्फेमी का केस किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ डेफिनेटली इस्लाम के ठेकेदारों के लिए इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है, और बाकी लोगों को इस्लाम के द्वारा डरा करके इस्लाम के अंदर बैठ करके ये सिर्फ मनमानी करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। जी मैम, और मैम आपके ऊपर जो ब्लास्फेमी लगा था तो आपका जो ट्विटर अकाउंट है और इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी शायद डिलीट हो गया था रिपोर्ट करवा करवा के। नए वाले के मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो जो भी किटकैट्स मतलब उनको पता नहीं है तो वापस से फॉलो कर लेंगे। मेरी हालत ना किट्टू हो गई है कंगना रनावत वाली। मैं पहले ट्विटर हैंडल चलाती ही नहीं थी, ठीक है, मेरा शुरू से देखना, मैं कभी भी ट्विटर पे थी ही नहीं, एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं थी, और सोशल मीडिया में बिल्कुल भी एक्टिव थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इवन 2021 तक तुम देखना, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव थी ही नहीं, और ये कोविड आया और मैं एक्स पे और सारे सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हुई, और उसके बाद मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। एनीवेज मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आवाज तो मेरी अभी भी गूंज रही है। मैं तो इस्लाम की खूबसूरती, ब्यूटिफिकेशन ऑफ इस्लाम तो मैं दुबई में भी जाकर के बता रही हूँ, और अभी मुझे इसराइल बुलाया जा रहा है ब्यूटिफिकेशन ऑफ इस्लाम बताने के लिए, तो अभी मैं हालिया में इसराइल भी जाने वाली हूँ, तो वहां पर भी मेरी दो स्पीचेस है और वो स्पीच भी मेरी हो सकता है वायरल होगी। ये तो होगा बिल्कुल। किट्टू आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि नए अकाउंट को आप अपने डिस्क्रिप्शन में डालिएगा, और जो लोग नहीं अभी तक देख पाए हैं वो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जो सच्ची बात है, जो अच्छी बात है, जहां पर हमें कन्फ्रंटेशन करना चाहिए, मैं वो करती रहूंगी। भाई तुम डिलीट करते रहो ना, तुम सस्पेंड करवाते रहो ना, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सच को सामने लाते रहूंगी। हाँ, इसीलिए मैम आप मुफ्ती मौलाओं को बुरी लगती है, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं कि जो गुनाह होते हैं ना उन पर पर्दा डालना चाहिए। शरीयत में हुक्म ये है गुनाह पे पर्दा डाला जाए, ना कि गुनाह से पर्दा उठाया जाए। तो तब तो इसका मतलब है कि हमारी मुसलमान बेटियां भी गुनाह है, तभी हमारे ऊपर भी काला टेंट पहनाने के लिए लगे पड़े रहते हैं। इसका मतलब तो फिर यही निकलता है भाई, गुनाहों पे पर्दा डालो, बहुत अच्छी बात है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई मौलवियों के लिए जो भी वो गुनाह करते हैं वो बिल्कुल माफ है, जो एक आम मुसलमान गुनाह करता है उसकी बिल्कुल माफी तलाफी नहीं है, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। एक बंदा आपको पिछले दिनों याद हो गई जिसने बोला था कि मैंने फेसबुक पे कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं लगाई, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको जो है ना मार दिया, और उसको जनाजा भी जो है कोई भी पढ़ने नहीं गया, उसको दफनाने तक की जगह नहीं इन लोगों ने दी थी, उसको जला दिया गया था। लेकिन ये जो मुफ्ती तारिक मसूद है इसने इतना कुछ बोला, लेकिन इसको तो जला गया, ये बाहर अपने और मतलब अभी फिर से इसकी स्पीच नहीं हो तोड़ गया है। हाँ तो वही तो आपको बोल रही, बाहर बैठा हुआ है, इसको यहाँ पे लाए ताकि इसका भी जो इलाज है ना वो किया जाए, ताकि इसका भी खाना खराब किया जाए। मौलवी का तो बने आए हैं, तमीज नहीं ना इसको, तमीज नहीं है, इस वजह से पाकिस्तानी इसके पीछे पड़े हुए। कहते हैं कि जिदों में एयरपोर्ट तो थले उतरे आना, यदि मुंडे याद नहीं है, लेकिन ये इसी वजह से इसने आना नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग इसके अभी भी सपोर्टर्स है जिन्होंने इसकी गुनाह जो तलाफी थी वो माफ कर दी है। और नाजिया बोल रही है कि मुझ पे बहुत ज्यादा लोगों ने जो केस है वो FIR किए हुए हैं, लेकिन मैं उनसे जो है वो बरी हो गई हूँ और मैं सच्ची साबित हो गई हूँ। तो बंदे को खुशी तो होती है जब आप कोई केस आप पे करे तो आप साबित कर दे कि मेरा तो कोई भी ऐसा बयान था ही नहीं कि जो इन्होंने मुझ पे लगाया हुआ है। तो यार नाजिया अली खान की बातें सच्ची और पक्की होती हैं, आप सब इनको सुनते हैं, आप बहुत ज्यादा इनको, इनकी स्पीचेस वायरल होती हैं पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में। तो आपको इनकी वीडियोस कैसी लगती है, ये खुद कैसी लगती हैं? और ट्विटर और इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने इनका फॉलो किया हुआ था, मुझे नहीं था पता कि इनका उड़ा दिया गया, अभी फिर से इनको फॉलो करना पड़ेगा, फिर ये अपडेट न्यू देती रहती है ना, जो जो होता है, तो मजा आता है इनको सुनने में। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, फिर मिलता है। थैंक यू।